बेहतर इलाज का वादा हर जनप्रतिनिधि का नारा है, लेकिन तस्वीरें उससे उलट हो तो आप क्या करेंगे। इन दोनों डीग जिले का जोरहरा अस्पताल चर्चा में है, क्योंकि अस्पताल दिन में ओपीडी और रात में शराबियों का अड्डा बन जाता है। स्थिति ये है कि एक तरफ साफ सफाई पर सवाल है तो दूसरी तरफ अस्पताल शराबियों का ठिकाना है। आखिर कब खुलेगी जिम्मेदारों की आंख, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चर्चा में जोरहरा सरकारी अस्पताल, दिन में ओपीडी, रात में शराबियों की महफिल, गंदगी और शराब की बोतलों का अंबार। जांच का भरोसा, कब सुधरेगी व्यवस्था। शराब की बोतलें, हर तरफ गंदगी, मुंह छुपाते शराबी, ये तस्वीर एक दो नहीं बल्कि हर कोने से बिखरी बोतलें, फैला कचरा ही नजर आएगा। आपकी आंखें भी चौंध जाएगी जब आपको यहाँ शराबियों के होने के सबूत मिलेंगे। अगर ये तस्वीरें शराबियों के अड्डों की होती है तो शायद कैमरे में कैद नजारा ऐसा ही होता, लेकिन हकीकत इससे परे है, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, डीग जिले का जोरहरा अस्पताल, जो अपनी सुविधाओं, बेहतर इलाज से चर्चा में नहीं है, बल्कि चर्चा अस्पताल में गंदगी और शराबियों के अड्डे की है, क्योंकि अस्पताल को शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया है। अस्पताल की चार दीवारी में रोजाना शराबियों की महफिल सस्ती है और सुबह होते ही शराबियों की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल के बायोमेट्रिक वेस्ट को भी अस्पताल परिसर में ही जला दिया जाता है। अगर मरीज को लेकर आप अस्पताल पहुंच भी गए तो इलाज मिलेगा या बीमारी साथ लेकर जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। वैसे ये अस्पताल रिहायशी इलाके से दूर नहीं सबसे व्यस्ततम और भीड़ वाले इलाके में होने के बाद भी इसकी हकीकत यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही है। जब यहाँ के सफाई कर्मी से बात की, सफाई कर्मी ने भी कबूल कर लिया कि आखिर कचरा कहाँ फेंक रहे हैं। जब ट्रैक्टर पहला ट्रैक्टर नहीं आता है, ट्रैक्टर आए तो हमें भर के दू यहाँ में, ये गाड़ी जरूर आती है, जो वो कचरा जो सीसीबीसी जो आती है, जो भीतर से जो कचरा आता है पन्नी लगा के जो दिया उसको जरूर दे दू। फिर यहाँ काफी दिन से यहीं पे पटक दे पूरे इसको। आलम ये है कि सुबह अस्पताल में मरीज नजर आते हैं, अस्पताल में ओपीडी चलती है, लेकिन सूरज ढलते ही ये जगह शराबियों का अड्डा बन जाती है, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें खुद ही दे रही है। अस्पताल की चार दीवारी में रोजाना इसी तरह शराबी की बोतलें मिलती रही हैं। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। जोरहरा में जो आपके द्वारा फोटो मेरे को प्रोवाइड कराई गई है और जो वीडियो प्रोवाइड कराई गई है उसकी मैं जांच करवा रहा हूँ। मैंने हमारे बीसीओ और जोरहरा के जो सीएससी इंचार्ज हैं उन दोनों को इस बारे में अवगत करा दिया है। एक फोटो उसमें दिखाया गया है कि वो एक लड़का है, स्वीपर है, और वो गंदगी वहीं पटक रहा है और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बोल रहा है कि गाड़ियाँ नहीं आती है, तो उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। अगर गाड़ी नहीं आती तो उसका पेमेंट वगैरह होता है कि नहीं होता है वो भी मैं दिखवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे डीग के सभी सीएससी से बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए हमने हाउसमैन इंसिनरेटर अलवर से कॉन्टैक्ट किया हुआ है। उसकी गाड़ी प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, अगर ऐसी बात होगी गाड़ी नहीं आती है तो उसका हम पेमेंट रुकवाएंगे। और प्राइवेट क्लिनिक के बारे में जो आपने कहा है उसकी मैं तुरंत ही अभी जांच करवा के, और अगर कोई लीगल होगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जो भी एक्शन हमको देना है तुरंत। जोरहरा अस्पताल के अंदर और बाहर का नजारा एक ही है, बाहर गंदगी और शराबियों का कब्जा है तो अस्पताल के अंदर भी सफाई व्यवस्था लाचार है। भले ही खुद अस्पताल के जिम्मेदार मौन हो, सरकारी जगह होने की वजह से शायद कोई कुछ बोलना नहीं चाहता हो, लेकिन ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं। अगर इन सब पर गौर करें तो आने वाले समय में कोई अनहोनी या बड़ा हादसा हो गया तो क्या जिम्मेदार ऐसे ही मौन बैठे रहेंगे। अगर सरकारी अस्पताल होने की यही हकीकत होती है तो जिम्मेदारों और विभाग को जवाब देना होगा। अगर जिम्मेदार ऐसी तस्वीरें फिर नहीं दिखने का भरोसा देते हैं तो फिर हम यही पूछना चाहते हैं कि अस्पताल के हालात आखिर कब सुधरेंगे, क्योंकि अगर अस्पताल बीमार होगा इलाज से लाचार होना तय है। सच पे धड़क के लिए डीग से कपिल वशिष्ठ की रिपोर्ट।